दही लिया है, लगभग 2-3 चम्मच। ये हनी है, ये मैदा है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी है, गुनगुना पानी है थोड़ा सा, और 2-3 चम्मच शक्कर है। और तो चलिए सबसे पहले हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे, 2-2.5 चम्मच इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा चम्मच है वो थोड़ा फ्लैट है। और इसमें अभी हम 2-3 चम्मच दही डाल देंगे। दो चम्मच हम इसमें हनी ऐड कर लेंगे। ये गुनगुना पानी है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना है इसलिए हमें इसमें। चलिए इसे अच्छे से घोल लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। अभी अच्छे से हमें घोल लेना है। देख सकते हैं ये अच्छे से घुल चुका है। ओके, तो अभी हम इसे 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ें। चलिए अभी हम इसे चेक करेंगे कि वर्क करता है या नहीं। इसलिए हम छोटी सी जार यूज़ करेंगे, 200 ग्राम गुड़ ऐड कर लेंगे हम। बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने 200 ग्राम के आसपास गुड़ डाला है, घर पे जो यीस्ट बनाया है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। अभी ये घुलने के बाद चलिए इसमें थोड़ा सा नौसादर ऐड कर लेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है मैंने ऐड किया इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है कि वर्क करेगा या नहीं। जो ईस्ट होती है उसका खाना ग्लूकोज होता है। गुड़ डाला है हमने, ये गुड़ खा के खुद को मल्टीप्लाई करेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगले दिन कुछ बबल्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं अच्छे से। दूसरे दिन देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छे से बबल्स मुझे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन हम इसे फिर भी चेक करेंगे। देख सकते हैं अभी इसको 18 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसे हम डिस्टिल करेंगे और देखेंगे कि इसमें एथेनॉल यानी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है या नहीं। डिस्टिल करने के लिए कुकर में डाल दिया हूँ मैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ईस्ट है वो नीचे बैठी हुई है। तो इसे हम ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी कम है। कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास कॉपर की ट्यूब नहीं है, तो क्या हम ट्यूब लेवल यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बबल्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। हमारा जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। 10-15 ml इसे हम इसे फेंक देंगे, क्योंकि ये एथेनॉल होगा। चलिए इसे फ्लेम चेक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ईस्ट जो है होम मेड ईस्ट है। तो देखिए अच्छे से आग पकड़ ली है इसने, तो ये वर्क कर रहा है अच्छे से। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये वर्क करता है अच्छे से। तो देखिए फ्लेम भी काफ़ी ब्लू है। जो बाजार से ईस्ट लाते हैं हम, उससे फ्लेम जो फ्लेम है वो थोड़ी येलो टाइप की आती है, लेकिन इससे ब्लू आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा।